बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम हियर विद न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5P चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 38 पर। वर्कशीट 2B का क्वेश्चन नंबर 4 है और एक वर्ड प्रॉब्लम है। वीडियो पॉइंट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर काफी कुछ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। हम इसके कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, उसी नौयत के कुछ क्वेश्चंस आज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉइंट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एट अ शॉप अ पेंसिल कॉस्ट $0.65 एंड अ पेन कॉस्ट $1.2। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट बता दी, एक पेन की कॉस्ट बता दी। केट बॉट 6 पेन्स एट अ डिस्काउंट ऑफ$10। केट ने 6 पेन्स खरीदे लेकिन हर पेन के ऊपर उसको कितने $10 का डिस्काउंट मिला। हाउ मच डिड केट पे फॉर द पेन्स? तो केट को कितने पे करने पड़ेंगे उन पेन्स के लिए? अब ये देखिए, हमसे इन्होंने सिर्फ पेन की कॉस्ट पूछी है। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट है $1.2। ठीक है, तो 6 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 6 × $1.2। ठीक है, अब 1.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको पता चल जाएगा $7.2 आपके पास आ रही है 6 पेन्स की कॉस्ट, लेकिन उसको 10% का डिस्काउंट मिला है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 10% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि इसकी जो भी कीमत है वो 10% कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितनी होगी? वो 90% होगी। यानी कि ये जो 100% कीमत है ये उसको अदा नहीं करनी, बल्कि उसको सिर्फ 90% जो पैसे हैं वो पे करने हैं। तो हम यहाँ पर 10% डिस्काउंट निकालें, फिर जो आंसर आया उसको $7.2 में से सब्ट्रैक्ट करें। इसके बजाय आसान ये है कि इसको एक स्टेप में आप कीजिए और 100 में से जो भी परसेंटेज आपको दी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसको डायरेक्टली उस अमाउंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम 90% ऑफ $7.2 निकालेंगे तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पता चल जाएगी। अब 90% ऑफ $7.2 कैसे निकलेगा? 9 को आप डिवाइड कीजिए 100 से, 90 को 00 से कट हो गया, 10 बचा। तो 10 को जब हम 7.2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास डेसिमल मौजूद है, तो हम डेसिमल को मजीद एक डिजिट पीछे ले जाएंगे और ये बन जाएगा 9 × $0.72। ठीक है, तो अब 0.72 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, आपके पास आंसर आ जाएगा $6.48। यानी कि केट को जो है वो पे करने पड़ेंगे $6.48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। मिसेस अली हैज ₹5 लाख। ठीक है, 5 जीरोस का मतलब क्या है? 500,000 का मतलब 5 लाख, 5 लाख रुपए इन हर बैंक अकाउंट। द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 1% अ ईयर। साल में जो इंटरेस्ट मिलता है पैसे रखने पर वो कितना है? 1% ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी 5 लाख का 1% उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। शी डज नॉट डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर द होल ईयर। उन्होंने ना मजीद पैसे जमा कराए और ना उसमें से कोई पैसे विड्रॉ किए यानी निकाले। तो हाउ मच विल मिसेस अली हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? तो साल के आखिर में उनके पास कितने पैसे होंगे? ये 5 लाख रुपए तो होंगे ही, और इसके ऊपर 1% के हिसाब से जितना उनको इंटरेस्ट मिला होगा वो भी होगा। तो अगर वही इंटरेस्ट हमें पता चल जाए तो हम इस 5 लाख के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, अमाउंट इन द बैंक को का इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो 1% ऑफ 5 लाख क्या निकलेगा हमारे पास? 1/100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जीरोस के साथ, ये दोनों जीरोस कट हो गए, बच गया 5,000। यानी कि 5 लाख के ऊपर उनको 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए 5 लाख के अंदर 5,000 को, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 505,000। ठीक है, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में आखिर में इतने पैसे होंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है कि फरहान ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹5,000। फरहान ने 5,000 रुपए रखवाए हैं। दी बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 1%, यहाँ पर भी 1% का ही जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। हाउ मच विल फरहान हैव इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट है। तो आपने इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है कि 5,000 का 1% निकाला, वो 50 निकल आया, 50 को 5,000 के साथ ऐड किया, आपको पता चल गया कि आपका टोटल अमाउंट फरहान के पास बैंक में कितना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर हमारे तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स के आपको समझ में आ गएंगे। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।